ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एज फार एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इज कंसर्न, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द स्क्रोटम, ओके। दिस इज द स्किन ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, सो ऑन, ठीक है। इसके अंदर देयर इज दिस कवरिंग, द फर्स्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, टी ई एस की कवरिंग। स्क्रॉटम में दो कंपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये मेम्ब्रेन कौन सी हो जाती है, ट्यूनिका वजाइनलिस इज डबल लेयर्ड, इसकी अंदर वाली लाइन बना रहे, ट्यूनिका वजाइनलिस इज डबल लेयर्ड, ठीक है। ऐसा दिस इज द फर्स्ट कवरिंग, राइट, ठीक है। इसके बाद देयर इज दिस ट्यूनिका एल्बुजीनिया इज द फाइब्रस लेयर, इट इज़ द फाइब्रस लेयर, ठीक है। और जिसके सेप्टा अंदर को जा रहे होंगे इस तरह से, सेप्टा अंदर को, राइट, इस तरह से, और सेप्टा की वजह से क्या बन गया, कंपार्टमेंट्स बन गए, ठीक है। फिर ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्स, वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ये इस तरह से, ठीक है। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्स के बाद यहाँ पे इस जगह पर आपको एक नेटवर्क देखने को मिलता है, रेटिकुलम, जिसको आप क्या बोलते हो, रेटे टेस्टिस, ठीक। सेकंड लेयर का क्या नाम था, ट्यूनिका एल्बुजीनिया, दिस इज द सेकंड लेयर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की, दिस थर्ड लेयर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू जो आपने 11th में पढ़ा है वो थोड़ा सा याद हो आपको, तो अपनी बॉडी में, इन आर बॉडी देर इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच फिल्स द स्पेसेस, पैकिंग टिश्यू है, इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द पल्प कैविटी ऑफ द टीथ, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स ऑफ मसल्स, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स ऑफ द नर्व्स, राइट, इट इज़ प्रेजेंट एट सेवरल लोकेशंस। Now this areolar connective tissue forms a third layer over here, which is in very intimate contact with the seminiferous tubules. This is the third covering known as the tunica vasculosa. अब ज़रा pulp of the tooth को थोड़ा सा याद करो। जो पल्प है डेंटीन के अंदर, सबसे बाहर इनेमल होता है, फिर डेंटीन होता है, फिर बीच में क्या होता है, पल्प, ठीक है। अच्छा, ये जो पल्प होता है इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज़ी मास होता है, ठीक है। इस चीज़ी मास में ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी चीज़ी मास में नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बहुत सॉफ्ट सा ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स स्कैटर्ड पड़ी होती हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है। अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्स आर द साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डेफिनेटली अगर स्पर्म्स बन रहे हैं बॉडी में तो यहाँ पे काफ़ी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी, और रॉ मटेरियल्स आएगा कहाँ से, ब्लड से आएगा। तो ट्यूनिका वेस्क्युलोसा, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ वेस्कुलर लेयर, इट इज द वेस्कुलर लेयर, इट प्रोवाइड्स द रॉ मटीरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स टू द सेल्स ऑफ और द एपिथीलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रॉ मटीरियल्स पहुँचते रहते हैं,
और स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार चलता रहता है। ब्लड ऑक्सीजन भी लेके आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करेगा एंड सो ऑन, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एन आर्टरी, अ ब्लड वेसल शुड कम इन टू दिस एरिया, सही बात है। ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल है, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ब्लड वेसल है इसकी ब्रांचेज होंगी कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इसकी ब्रांचेज होंगी। ठीक है, और ये ब्रांचेज फिर कैपिलरी सिस्टम बना देगी बहुत एक्सटेंसिव। ठीक है, तो ये जो मेजर ब्लड वेसल आ गई, ये क्या है, दिस इज द स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक आर्टरी। और अगर आर्टरी है तो वेन भी होनी चाहिए जो यहाँ से ब्लड लेकर बाहर को जाएगी, ठीक बात है। तो अब यहाँ से ब्लड बाहर को जा रहा है बाय मीन्स ऑफ दिस वेन, राइट, एंड द आर्टरी इज ब्रिंगिंग द ब्लड, आर्टरी से ब्लड आ रहा है और वेन से ब्लड, एक ब्लड वेसल और है इससे ब्लड बाहर को जा रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड लाइक दिस, और यहाँ से ये ब्लड अब यहाँ से ब्लड इस तरह से ड्रेन आउट हुआ, इन सारे एरियाज में से यहाँ से ब्लड इधर को ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा, ओके, सो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस वुड बी नाउ नोन एज द स्पर्मेटिक वेन। अगर यहाँ पे कोई नर्व होगी तो उसे आप क्या बोलोगे, द स्पर्मेटिक नर्व, ऑब्वियसली यहाँ नर्व होती हैं। ठीक है, राइट, तो ये हो गई अपनी तीन, द थ्री मेम्ब्रेन्स ऑफ द थ्री कवरिंग्स ऑफ टी ई एस। अब ये टी ई एस क्यों है, टी ई एस क्या था, विद द एपिडिडाइमस। ठीक है, तो अब ये इस डायग्राम को फिर, इस पिक्चर को फिर दोबारा से देखते हैं। ये जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रही है, ये तो यहीं तक कन्फाइंड है, यहीं तक लिमिटेड है। ठीक है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें ये यहाँ यहीं पे ट्यूनिका एल्बुजीनिया है, ठीक, राइट, यहाँ पे, और ये बीच में सेप्टा बन रहे हैं इसके। ठीक है, बट अगर हम ट्यूनिका वजाइनलिस की बात करें तो ट्यूनिका वजाइनलिस जो है वो बेसिकली यहाँ से इसके ऊपर भी है, इस पूरे एरिया के ऊपर है यहाँ पे, राइट, और अगर आप इसके नीचे वाले इस डायग्राम को देखो तो थोड़ा सा और समझ में आता है। अब आ जाओ स्पर्मेटिक कॉर्ड पर, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स हो गई। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये बेसिकली है क्या चीज़, इसमें आर्टरी है, इसमें वेन है, इसमें नर्व्स हैं, ठीक है, और इसमें लिम्फैटिक सिस्टम की वेसल भी है, राइट, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से इसको हम, अब यहाँ से इसको अगर आप लाइन अप करो तो ये अगर आपको ये दिखता है, जिसको हम, जिस लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, ये लाइन यहाँ से, ये देखो, ये इस पॉइंट से, इस जगह से, ये यहाँ पे, ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये पेरिटोनियम की लाइनिंग, इसके चारों ओर, इट्स विद दिस, तो ये स्ट्रक्चर अब क्या बन जाता है, टी ई एस, जिसमें ये चीज़ अंदर को है, दिस इज टी ई एस, राइट। ठीक है, तो ट्यूनिका विजाइनलिस कवर्स द कंप्लीट टी ई एस, द थ्री कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस, इसलिए बोल देते हैं उसको। ठीक है,